हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका इंडियन आपको स्वागत करता है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जिस जगह को जा रहे हैं वो अपने में ही एक अलग दुनिया है। तो स्पेसिफिकली बता दूं कि हम आज जा रहे हैं ईसा योगा सेंटर, जो के है कोयम्बतूर में। दोस्तों बेसिकली आपको कोयम्बतूर पहुंचने के लिए बहुत सारे जो मोड ऑफ ट्रैवल वो मिल जाएंगे, बस, ट्रेन और फ्लाइट सब ही मिल जाएंगे। लेकिन हमने जो चूज़ किया वो बाय रोड ऑन कार था, तो इससे हम क्या है कि जो डायरेक्ट योगा सेंटर है वहां पे पहुंच सकते हैं। वो तमिलनाडु का जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उसको माना जाता है। माना कि काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन बैंगलोर से यहाँ तक की जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा था, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ईसा योगा सेंटर जो है, इसका जो लोकेशन है ये जो आउटस्कर्ट्स ऑफ कोयम्बतूर, उसका जो लोकेशन है बेसिकली, और ये जो है वेस्टर्न घाट का जो वेलियनगिरी हिल से उसके साइड में ही अवस्थित है। डेली इवनिंग शो के जो विजिटर्स हैं उनके लिए ये रास्ता है, और जिनका कॉटेज स्टे का व्यवस्था है उनके लिए दूसरा रास्ता है। जैसे ही आप इस जगह में एंटर करते हैं, आपको जो ग्रीनरी और ग्रीनरी से भरा हुआ जो माहौल मिलेगा, उससे जो सुकून भरा एहसास आपको मिलेगा वो अपने में ही अनोखा है। On a reception, this side, where to park the car? Here or anywhere? Park outside. Here we cannot do. We have cottage booking. Cottage booking for guest parking outside. Outside, तो फिलहाल यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने हमको एस्कॉर्ट किया टूवर्ड्स द वेलकम पॉइंट, जो कि मेन रिसेप्शन एरिया के पास में है। तो जैसा कि अभी सिक्योरिटी ने बताया, तो उस हिसाब से हमको जो सर्पवासल है, जो स्नेक गेट है, उसके ऑपोजिट में हमारा गाड़ी पार्क करके यहाँ पे आना पड़ा। तो जैसे ही हमारा जो रिसेप्शन में एंट्री हो जाता है, उसके बाद जो है बसेस के सर्विसेज हैं टुवर्ड्स द कॉटेजेस। आपको जो कॉटेज बुक करना है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंबपादम, तो वहाँ पे जो आपको बस सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आपको वहाँ पे लेके वो छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। नमस्कारम। तो हम आके यहाँ पे सिंबपादम में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमने बुक किया था रूम, ऐसा जो योगा सेंटर है, जो फाउंडेशन है यहाँ पे, तो बढ़िया सा रूम मिला है। वैसे वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी जो है हम सदगुरु के यहाँ पे जो आश्रम है, यहाँ पे सिंबपादम जो उन्होंने अकोमोडेशन के लिए जो बनाया है वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है यहाँ पे, चार ऐसे ही बिल्डिंग है, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारे बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि होटल का इंडोर है, काफ़ी स्पेसियस। मैंने आपको जैसे रूम्स घूम के दिखाए उसी तरह है। और आगे का व्यू जो है वो तो आप देख ही सकते हैं, जो कि फुट हिल है, जो हिल का साइड जो व्यू है आपको वहाँ पे पूरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर से सुबह सुबह हम आके जो रिसेप्शन एरिया है उसके पास पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिसेप्शन डाइनिंग एरिया है, और राइट हैंड साइड में ध्यानलिंगा और लिंगा भैरवी का टेंपल है। सर्वधर्म समन्वय के भाव से यहाँ पे सबको देखा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके जो धर्म के प्रतिबिंब है यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो अभी हम लिंग भैरवी जो टेंपल है उसके तरफ जा रहे हैं, और आप सबसे एक निवेदन है कि आप जो इमरजेंसी मोड पे ही अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो शांति है उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो ध्यान लिंग है उसका सेंट्रल डोम यहीं पर है। हम जिस एरा में रह रहे हैं अभी, हमारे अर्थ की तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 100 गुना बढ़ चुकी है, और उसी मोटिव को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु ने अक्रॉस 26 कंट्रीज में 100 डेज की जो मुहिम थी वो निकाली थी, और वो अभी भी जारी है। आज की डेट में हम में से मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बुलक कार्ट में जो ट्रैवल करने की एक्सपीरियंस है वो बहुत ही नया है, और यहाँ पे केवल 10 रुपये के मूल्य में आपको वो सुविधा मिल जाती है। सिर्फ वासल या तो स्नेक गेट के फ्रंट में ही आपको ये बुलक कार्ट की सर्विस जो है मिल जाती है। तो फाइनली नंदी महाराज हम सबको लाके अपने महाप्रभु भोलेनाथ के पास पहुंचा चुके हैं। इवनिंग 7 से 8 के बीच में जो आपको यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ अपना जो टाइम है उस हिसाब से मैनेज कीजिए। यहाँ पे जो लाइट शो है वो बिल्कुल ही अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ एंजॉय कीजिए। भिक्षा हॉल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे खाना मिल जाता है, लेकिन इनकेस 8:30 के बाद आपको खाना पड़े तो आप वहाँ बाहर आके कैंटीन में खा सकते हैं। तो फाइनली अभी निकलने का टाइम हो गया। यहाँ पे गाड़ी जो पार्किंग पे हमने रखी हुई थी यहाँ से हम गाड़ी अभी ले रहे हैं और वापस जो है चलने के लिए रेडी हो रहे हैं। फ्री पार्किंग है, आप यहाँ पे आके आराम से अपना गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं और अपना कॉटेज का जो स्टे है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा वीडियो था, जो हमारा जर्नी था, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।